गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो नाना रहते हैं वो कायरा के पापा को कॉल करते हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुनाते हैं। उन्हें कहते हैं कि तुमने ख्याल नहीं रखा मेरी पोती का, तुमने उसे अच्छी परवरिश नहीं दी है, और काफ़ी ज़्यादा सुनाए जा रहे रहते हैं, जिसमें कायरा के पापा को पता ही नहीं रहता कि बात किस बात पर सुना रहे हैं। वैसे तो कायरा के पापा और नाना का दोनों का 36 का आंकड़ा रहता है, मतलब दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई रहती है, तो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। पर फिर भी नाना अपनी पोती के लिए उन्हें फ़ोन करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपनी पोती के बारे में जानने का पूरा हक है, और जो चीज़ उन्होंने देखी रहती है वो उसके पापा से कन्फर्म करने के लिए फ़ोन करते हैं। साथ ही साथ जब वो सुना रहे रहते हैं तब वो अंजना को भी सुनाते हैं, और अंजना को भी कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी की परवरिश अच्छी नहीं दी है, तुम्हें मैंने कहा था कि उसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना, तुमने जो वादा किया था रीना से तुमने उस वादा को निभाया नहीं है। अंजना भी कंफ्यूज हो जाती कि किस बारे में बात चल रही है, क्योंकि लाउड स्पीकर पे फ़ोन रहता है। अब उसके आगे किस बारे में बात कर रहे हैं ये, नाना इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों थे, और वो मुझे ये क्यों कह रहे हैं कि मैंने कायरा की परवरिश अच्छी नहीं करी है, आप मुझे बताओगे कि नहीं, हुआ क्या है, अंजना कहती है। तभी कायरा के पापा कहते हैं, अरे मुझे खुद नहीं पता यार, मुझे खुद पता होगा तो मैं बताऊंगा ना, वो तो फ़ोन करके बस शुरू हो गए मुझे सुनाने के लिए, और इतना ज़्यादा सुनाए जा रहे, पहले भी उन्होंने कब मुझे नहीं सुनाया है, हर बार उनका सुनाना कभी ख़त्म होता है, कब भी उनको फ़ोन लगाओ कुछ काम की बातें करनी है तो काम की बात करने से पहले आधे घंटे तक मुझे सुनाएंगे, और मुझे नहीं सुनना था, और मेरा कोई मूड भी नहीं है कि मैं उनकी फालतू की बकवास सुनूं, इससे मैंने फ़ोन काट दिया, कायरा के पापा कहते। तभी अंजना कहती है, आपके फ़ोन काटने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या, आपको हर चीज़ में ना इतनी नेगेटिविटी क्यों दिखती है, द थिंक अबाउट दैट कि उन्होंने इतने साल के बाद आपको कॉल किया है, पापा ने इतने साल के बाद आपको कॉल किया है, आपको खुश होना चाहिए, आपका ये बिहेवियर ऐसे चलेगा क्या। चलो कायरा की वजह से ही सही, पर फ़ोन तो आया, अरे आपको खुश होना चाहिए फ़ोन आया है, मतलब कायरा को उन्होंने एक्सेप्ट किया, कायरा से वो मिले, कुछ चीज़ें हुई हैं शायद, कुछ हुआ होगा, हमें जब तक कॉल पे बात नहीं करेंगे तो हम कैसे पता करेंगे, आप समझते क्यों नहीं हो, हम छोटे से बच्चे नहीं हैं, हम बच्चों की तरह नहीं करेंगे, और आप उनकी एज क्यों नहीं समझ रहे हो, वो 70+ हैं, अब वो बच्चे हो चुके हैं, हमें बड़ों की तरह उनसे बात करनी पड़ेगी, हमें उनके सारे नखरे उठाने, जब बचपन में हम छोटे थे तो उन्होंने हमारे नखरे उठाए, हम अपने वचन, हम अपने कर्तव्य, इन सबसे पीछे हट रहे हैं। कायरा फिर भी बच्ची है पर समझदार है, वो अपने नाना नानी से मिलने गई है, वो अपना कर्तव्य अपना फ़र्ज निभाने गई है, आपको खुश होना चाहिए, लेकिन आपको तो अपना गुस्सा अपना ईगो के अलावा कुछ और दिखे तो आप बात करो ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, कायरा के पापा कहते हैं, मैं कोई ईगोइस्टिक नहीं हूँ, लेकिन तुमने देखा ना वो किस तरीके से बात कर रहे थे, हर बार उनका गुस्सा कभी कम होता है क्या, मैं नहीं लगा रहा फ़ोन, और आपको बात करनी है आप चुपचाप कर लो फ़ोन पे बात, मैं नहीं करूँगा उनसे बात, तो कहती ठीक है मत करो पर पता तो करो, और वैसे भी आपकी बेटी गई है उनके यहाँ, कैसी है क्या है, कायरा को फ़ोन करके पूछो या उन किसी से तो पूछो, एटलीस्ट पता तो चले कि सिचुएशन हुई क्या है, आपको तो बस अपनी ईगो पे रहना है, कायरा को तो फ़ोन लगाओ उससे तो पता चले क्या हुआ है। तो कहते हैं हाँ, मैं कायरा को फ़ोन लगा के पूछता हूँ कि क्या हुआ है, लेकिन मैं उनको फ़ोन नहीं लगाने वाला। ठीक है बाबा मत लगाना, अंजना कहती है। तभी कायरा के पापा कहते हैं ठीक है, अगर आपको बात करनी है तो आप करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो अंजना कहती है, आप मुझे मना भी नहीं कर सकते हो मेरे पापा से बात करने के लिए, फिलहाल मेरा गुस्सा अभी आप मत बढ़ाओ, पहले कायरा को फ़ोन लगाओ और पूछो कि हुआ क्या है। तो कहते हैं ठीक है मैं लगाता हूँ, बट रात बहुत हो गई, कल बात करेंगे। तो कहते नहीं अभी बात करेंगे, कुछ ज़रूरी बात है इसलिए नान नानी ने इतनी रात को फ़ोन लगाया कायरा के, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो कहते अच्छा ठीक है बाबा लगाता हूँ फ़ोन, लगाता हूँ। दूसरी तरफ जो नाना रहते हैं वो कहते देख लिया तुमने, तुम जिसे समझदार अपना दामाद समझती थी उसने मेरा फिर से फ़ोन काट दिया,
अब अगर तुमने कहा कि उससे बात करने को तो तुम मुझसे बात मत करना, नालायक दामाद है तुम्हारा। नाना ऐसे गुस्से में नानी की तरफ देख के बोल रहे रहते हैं। तभी नानी कहती है, हाँ हाँ पता है, पर तुम्हें सुनाने से फुर्सत मिले तो करो ना, अपनी गलती क्यों नहीं समझते हो? अरे वो जब पापा बोल के अच्छे से बात कर रहा था तब क्यों नहीं करी? तब क्यों गुस्सा होकर बैठ गए? क्यों उससे ढंग से बात नहीं करी? अगर कर लेते तो पता तो चलता, और यहाँ तुम दोनों लड़ते रहते हो। यहाँ बात कायरा की हो रही है, रीना की बेटी की, मतलब मेरी बेटी की बेटी की। जब उस पे बात आएगी तो तुम्हें अपना गुस्सा भी शांत करना पड़ेगा। नानी भी उसी लहजे में उनके साथ कहती हैं। थोड़ी देर में दोनों बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करने रहते हैं नाना नानी। दूसरी तरफ जो कायरा के पापा रहते हैं, वो कायरा को फ़ोन लगाते हैं, और कायरा को फ़ोन लगाते हुए पूछते हैं कि कायरा, तो कायरा फ़ोन उठाकर बोलती है, हाँ पापा कहिए। तो कहते हैं, बेटा क्या हुआ है, आपकी आवाज़ में इतनी मतलब सैडनेस दिख रही है। तो कहती, कुछ नहीं पापा, सब ठीक है। बेटा कैसा लगा नाना नानी से बात करके? तो कहती पापा ठीक ही है, मेरी ज़्यादा बात नहीं हुई उनसे, वो मुझसे गुस्सा हो गए। ओके, पर किस चीज़ पे गुस्सा हो गए? कायरा के पापा पूछते हैं। एक्चुअली ये फ़ोन लाउडस्पीकर पे रहता है तो अंजना भी सुन रही रहती है। तो अंजना एकदम से कहती है, बेटा कायरा। तो कहती है कि हाँ मम्मा। तो कहती है, बेटा क्या हुआ है, आप इतने अपसेट क्यों हो? तो कहती है, अरे मम्मा वो कुछ नहीं, वो नाना नानी मुझसे रूठ गए, वो मुझसे गुस्सा हो गए। तो कहते हैं, हाँ बेटा मुझे पता चला, नाना का फ़ोन आया था। तो कहते हैं, नाना का फ़ोन आया था, वो क्या बोल रहे थे आपसे? कायरा पूछती है। बेटा वो कुछ कहते उससे पहले तुम्हारे पापा के साथ उनकी लड़ाई हो गई और उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। मम्मा मुझे पता चला कि जो पापा से बहुत ज़्यादा गुस्सा है नाना। तो वो कहते हैं, हाँ पापा हमेशा से गुस्सा रहते हैं इनसे। वो बात नहीं है, वो बहुत लॉन्ग स्टोरी है, वो कभी मैं आराम से आपको बताऊंगी। पर अभी आपसे क्यों गुस्सा हो गए हैं, आप मुझे ये बताओगे? अंजना बोलती है। तो कहती है, मम्मा वो ना गलती मेरी थी। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा गलती किसी की भी हो पर बताओ तो हुआ क्या है, बिना बताए सल्यूशन कैसे मिलेगा मेरा बच्चा? हाँ पापा वो बात तो सही है, पर कैसे बताऊँ समझ में नहीं आ रहा है। अंजना बोलती, बेटा ऐसा क्या कर दिया है आपने जो आपको इतना ज़्यादा, अपने माँ बाप को बताने में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बेटा ऐसा क्या करके आए हो आप? तो कहती है, मम्मा वो आई किस्ट रिद्धि। व्हाट? हाँ वो मम्मा मैंने रिद्धि को किस कर लिया था, तो ना वो नाना नानी ने देख लिया और देखकर ऐसे हो गया। कायरा, हाँ मम्मा। बेटा तुम इतने फास्ट बोलोगी तो समझ में कैसे आएगा कि क्या बकबक करके चली गई हो? थोड़ा शांत हो, मैं नहीं डांटूंगी ना पापा डांटेंगे, बस इतना बताओ हुआ क्या है जिससे हम नाना नानी से बात कर पाएं और उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छे से बताएं, जिससे तुम वहाँ जिस काम के लिए गई हो वो अच्छे से कर पाओ। तुम्हें नाना नानी से मिलके बात करनी है ना? बोलो कायरा बेटा क्या किया है? तो कहती है कि मम्मा वो मैंने एक्चुअली वो गलती से, मम्मा क्या बोलूँ, नहीं मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ऐसे बोलकर कायरा एकदम से अपना फ़ोन रख देती है। यहाँ पर इतना ज़्यादा टेंस माहौल हो जाता है, क्योंकि ये टेंस माहौल ना सिर्फ और सिर्फ नाना नानी की वजह से होता है, ताकि अब तो कायरा की वजह से भी हो जाता है, क्योंकि कायरा भी अब बताती ही नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से हुआ है। मतलब यहाँ पे इतनी ज़्यादा इशू हो जाते हैं कि कोई कुछ बता ही नहीं रहा रहता है। तभी उसके पापा को वो बोलती है, वो कायरा के पापा को बोलती है अंजना, कि
कि आप पता करो क्या हुआ है। तो कहते मैं कहाँ से पता करूँ, मैंने तो आपको खुद, मैं कहाँ यार, अब क्या करूँ। तो बोलते अरे यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, आप पापा होकर भी कुछ नहीं कर पाते, लगाओ दोबारा कायरा को फ़ोन। तो कहती आप भी तो लगा सकती है। तो कहती अरे मेरा कभी फ़ोन वो दोबारा उठाती है, कायरा मेरा फ़ोन कभी दोबारा नहीं उठाती है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो कहते वो पहले की बात थी, अब तो वो उठा लेती है ना, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो कहती है अरे यार आपको मैं बोल रही हूँ ना, फ़ोन लगा दीजिए ना। अंजना भी थोड़ी से गुस्से में हो जाती हैं, या यूँ बोलूँ वो चिंता में हो जाती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि यार मतलब चल क्या रहा है। वो बहुत टेंस माहौल हो जाता है। तभी जो उसके पापा रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कायरा को कॉल करते हैं, कायरा फ़ोन नहीं पिकअप करती है। कायरा एक्चुअली होता क्या है कि कायरा डर जाती है कि वो अपने मुँह से कैसे बताए कि उसने किस कर चुकी है। तो वो फ़ोन को साइलेंट रख देती है और इधर मूवी देखने में बिजी हो जाती है। जब वो कायरा जब मम्मी पापा से बात कर रही थी, तब रिद्धि एक्चुअल में अंकल से बात करने के लिए बाहर गई थी। मतलब जो हमारी रिद्धि जो अपने पापा से बात करने के लिए बाहर गई रहती है, वो अपने पापा से बात कर रही रहती है, उन्हें बता रही रहती है कि वो अच्छे से पहुंच चुकी है। और उसी वक्त कायरा को भी उसके पापा का फ़ोन आता है, और वो जब उससे पूछते हैं इस बारे में, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो सही से बताती नहीं है, और वो मम्मी को कुछ बताती नहीं है, फ़ोन साइलेंट पे रख के चली जाती है। जैसे रिद्धि वापस आती है तो कायरा उसको फिर से हग करके मूवी देखने में बिजी हो जाती है। पर इस बार रिद्धि को थोड़ा सा समझ में आता है कि कायरा का हग करने का अंदाज कुछ अलग है। कायरा इस तरीके से तब हग करती थी जब वो किसी चीज़ से डर जाती थी, या वो कुछ चीज़ छुपा रही रहती थी, या वो कुछ चीज़ बताना नहीं चाहती थी। तब वो जो बहुत टाइटली हग करती थी, उस हग से ये अलग से ही पता चलता था कि कायरा थोड़ी सी नर्वस है या कुछ है। तो जब वो हग कर रही रहती है रिद्धि को, तो रिद्धि को काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। लेकिन वो पूछती नहीं है, शायद उन्हें शायद ये रीज़न होगा कि वो ना नानी की बातों को याद करके थोड़ा सा डर गई है, शायद यही वजह होगी, इसलिए वो उसको इतने टाइटली हग कर रही है। रिद्धि भी उसे बहुत प्रॉपरली अपनी बाहों में अच्छे से एडजस्ट करती है, और कायरा के सर पे अपना हाथ फेर रही रहती है, और हाथ फेरते हुए बोलती है कि बेबी एवरीथिंग इज़ ओके, आर यू ओके। तो कहती है हाँ बेबी आई एम ओके, और ऐसे करके जो कायरा रहती है वो बहुत टाइटली हग कर लेती है। थोड़ी देर ऐसी चलता है। दूसरी तरफ जो उसके पापा रहते हैं वो बोलते हैं मैं कब से फ़ोन लगा रहा हूँ, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही अंजना को। तो अंजना कहती है आपसे कुछ नहीं होता है ना, रिद्धि को फ़ोन लगाओ। तो फिर उसके पापा क्या करते हैं, रिद्धि को कॉल करते हैं। जैसे ही वो रिद्धि को कॉल करते हैं तो रिद्धि एक बार में फ़ोन उठाती है, कहती है कि हाँ अंकल कहिए। तो कहते हैं बेटा कायरा कहाँ है। तो कहती है कायरा तो मेरे साथ ही है यहाँ पर। तो कहते हैं बेटा वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है। तो वो जो रिद्धि है वो कायरा की तरफ देख के बोलती हैं आपका फ़ोन कहाँ है, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो पापा का। तो कायरा थोड़ा सा डर जाती, कहती फ़ोन रख दो ना, बाद में बात करेंगे, बोलो बोलो बाद में बात करेंगे। पर रिद्धि काफ़ी ज़्यादा समझदार रहती है, तो वो कायरा की बात नहीं सुनती है, और वो कहती हैं कि रुको मैं बात करती हूँ। तो वो कायरा को अब साइड में करती हैं अपनी बाहों से, और थोड़ा बाहर जाके मतलब कॉरिडोर में जाके बात करती हैं। तो कहती हैं कि हाँ अंकल कहिए। तो कहते बेटा कायरा फ़ोन क्यों नहीं उठाई। तो कहती पता नहीं अंकल, उसने शायद से फ़ोन अपना साइलेंट पे कर दिया है, और वो डर रही है आपसे बात करने के लिए, क्यों क्या बात हुई है। तो कहते कि हाँ बेटा मैं वही पूछ रहा हूँ क्या बात हुई है, वो इतना डर रही है, वो हमें भी नहीं बता रही, तो हुआ क्या है आज। तो कहती है अंकल मेरे को समझ ही नहीं। तो कहते कि बेटा मुझे नाना नानी का फ़ोन आया था, नाना नानी ने हमें डांट रहे थे, मतलब वो तो मुझे डांटते ही रहते, नई बात नहीं है, पर वो आज अंजना पर भी गुस्सा कर रहे थे। आज तक उन्होंने कभी अंजना पर गुस्सा नहीं किया है, पर अंजना पे गुस्सा कर रहे थे, और करते हुए बोल रहे थे कि उनकी परवरिश सही नहीं हुई है। तो कायरा से पूछा तो कायरा ने बोला कि उससे गलती हो गई है, और पता नहीं फिर उसने बहुत जल्दी जल्दी में बोल दिया, तो हम लोग समझ नहीं पाए। आप बताओ उसके साथ क्या हुआ है।
तो पहले तो रिद्धि भी सोचती है कि अपने मुंह से कैसे बताए, तो उसे भी थोड़ा शर्म तो सभी को आती है। जब कायरा को अपने मॉम डैड को वो बात बताने में शर्म आ रही थी, तो फिर रिद्धि को तो काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रही थी वो। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ गलत किया था, पर दुनिया की नज़रों में तो गलत ही होता है ना। जब तक इंसान पति पत्नी के रिश्ते में बनता नहीं है, तो अगर वो कुछ भी संबंध रखता है किसी के साथ, तो वो संबंध सही नहीं होते हैं दूसरों की नज़रों में। लेकिन उनके हिसाब से तो वो सही था, पर यहाँ पर एक्सेप्ट तो अंकल आंटी और कायरा, रिद्धि के पापा ने भी कर लिया था और कायरा के पापा ने भी एक्सेप्ट किया था, पर सोसाइटी के सामने तो वो एज अ फ्रेंड ही थे। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल रिद्धि के मन में आ रहे रहते, पर रिद्धि कभी झूठ नहीं कहती है। और रिद्धि ये जानती थी कि अगर उसने अभी सच नहीं बताया, तो नाना नानी से भी मतलब बातें क्लियर नहीं होगी। दूसरी है कि यहाँ पर अंकल आंटी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, इसलिए वो कहती है कि एक्चुअली वो एक गलती हो गई थी हम लोगों से। तो उसके पापा कहते हैं कि क्या गलती हुई बेटा? तो कहते हैं कि अंकल वो एक्सीडेंटली किस हो गया था हमारे बीच में, तो इस वजह से नानी ने देख लिया था, और जब नानी ने देखा तो नाना को बता दिया, तो थोड़ा सा हंगामा हो गया। हम चाहते थे उनसे बात करके उन्हें क्लियर करें, पर उस समय तक वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे, तो हम क्लियर नहीं कर पाए कोई भी चीज़, तो हमें बाद में हमें खुद रिसॉर्ट वापस आना पड़ा। तो ये बात थी। तो कहते हैं कि हाँ, बट अंकल वो सिचुएशन सही नहीं थी, तो थोड़ा गलत हो गया। आई एम रियली सॉरी। हमें पता है कि हम जब किसी के घर जाते तो हमें कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी, बट कायरा जस्ट बिकम वनेबल, सो शायद हो गया उस समय। पर मैं आपसे सॉरी बोलना चाहती हूँ तो इस वजह से। तो कहते हैं ठीक है बेटा, मुझे उस बात पे नहीं है, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बात पे मैं मनाऊंगा कैसे तुम्हारे नाना नानी को, क्योंकि वो तो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। और एकदम से कायरा का ऐसे रिलेशन का सामने आना तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगा, शायद आप ये समझ सकती हो। तो कहती कि हाँ अंकल, मैं काफ़ी अच्छे से समझ सकती हूँ कि ये बात डाइजेस्ट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, पर अंकल आप थोड़ा सा बात करेंगे तो कुछ हेल्प हो सकती है हमारी। तो कहते हैं मैं बात नहीं कर सकता, मैं अंजना को कहूँगा, वो ही बात करेगी। अच्छा ठीक है, आप कायरा का ध्यान रखो, बाकी मैं सिचुएशन हैंडल करता हूँ, और हो सकता है तो जितना पॉसिबल होगा मैं हैंडल करूँगा। तो कहती है ठीक है अंकल, मैं रखती हूँ फ़ोन। ये बोलकर जो रिद्धि है वो अंदर आती है, तो कायरा बहुत ज़्यादा डर रही रहती है, उसकी बॉडी का तो शिवर कर रही रहती है, क्योंकि एक मतलब उसे कभी इतना ज़्यादा डर नहीं लगा था, लेकिन एक्चुअल में उसे डर इस बात का लगा था कि वो कुछ मोटिव के लिए आई थी और रिलेशनशिप के बारे में डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं था। तो जब उसकी ऐसी कंडीशन देखती है तो रिद्धि अपना फ़ोन को साइड रखती है, उसे आकर एकदम से हक करके बोलती, बीबी हुआ क्या है, वाई यू आर सो मच पैनिक? तो कहती है वो मैंने ना ये सही नहीं किया, मुझे आपको किस नहीं करना चाहिए था, बट मैं क्या करती, वो मुझे इच्छा हुई आपको किस करने की, और वो फीलिंग आ गई थी, तो फिर मैंने किस कर दिया, बट मैं सच बोल रही हूँ, मेरा इंटेंशन नहीं था कि नाना नानी के सामने मैं ये डिस्क्लोज करूँ, मुझे तो सिर्फ अपनी मम्मी के बारे में जानना था, आप जानते हो ना यार, मेरी सच्ची में हिम्मत नहीं थी। तो जब वो ऐसे मतलब डर जब इंसान डर जाता है तो अपनी वॉइस एकदम क्लियरली नहीं बोल पाता है, तो यही कुछ चीज़ें कायरा के साथ हो रही थी। तो जो रिद्धि रहती है उसे काफ़ी अच्छे से हक करती है और बोलती है, बेबी देखो आज नहीं तो ये कल सच्चाई सबके सामने आनी थी, तो आज ही सही, जो चीज़ पता चलनी है वो चलनी है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, बट मैटर ये करता है कि आप ऐसे डरोगे तो कैसे चलेगा? आपने कुछ गलत काम किया है क्या जो आप डर रहे हो? आपने प्यार ही तो किया है, बस ठीक है हो जाएगा, मॉम एंड डैड ने एक्सेप्ट कर लिया है, मेरे डैड ने एक्सेप्ट कर लिया है,
सिचुएशन ठीक है, मैंने अंकल को सच कुछ सच बता दिया है, वो बात करेंगे ना, वो समझाएंगे, तो कहते पापा से तो वो गुस्सा ही रहते हैं ना। बीबी आप नहीं समझ रहे हो, दीदी आप नहीं समझ रहे हो, वो गुस्सा रहते हैं, पापा की बात तक नहीं सुनेंगे। तो कहती ठीक है, अंजना आंटी की सुनेंगे ना, अंजना आंटी काफ़ी अच्छे से बात करेंगी। थोड़ी देर में जब कायरा इतना ज़्यादा डर रही रहती है, तो जो रिद्धि रहती है उसे काफ़ी अच्छे से हक करती है, और जब हक करती है तो उसे बहुत करीब आ रही रहती है, बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं ये, एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे रहते हैं, दोनों की हार्ट बीट एकदम गूंज रही रहती है दोनों के कानों में, आप ये कह सकते हो, इतने करीब रहते हैं। थोड़ी देर में जो बहुत सिचुएशन ठीक नहीं रहती है, तो जो हमारी रिद्धि रहती है वो टीवी बंद कर देती है, और जो कर्टन्स होते हैं वो घर के पूरे कर्टन्स वगैरह सब लगा देती है, और लाइट को डिम करके बहुत प्यार से सिर्फ टाइटली हग कर ही रहती है कायरा को। तो पर कायरा को एक अलग सा ही बोलते हैं ना कि मतलब उसे रिलैक्स होना रहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा रहता है, तो कायरा रिद्धि की तरफ देखती है और रिद्धि को बहुत प्यार से देख रही रहती है, जैसे वो अपनी आंखों से उसको कह रही हो कि प्लीज़ बेबी आई नीड इट। पर जो रिद्धि रहती है वो शायद उस चीज़ के लिए आज रेडी नहीं होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये सही समय नहीं है। पर कहते हैं ना, जब आप किसी से प्यार करते हो तो किसी को नो नहीं कह पाते हो, तो वही हाल रिद्धि का भी होता है। तो रिद्धि उसे बहुत प्यार से हग करती है और उसके फोरहेड पे किस करती है, फिर उसकी आई पे किस करती है, और फिर वो उसके चिक्स पे किस करती है। जब लिप की बारी आ रही रहती है तो वो सिर्फ देख रही रहती है, पर वो किस नहीं करती है। तभी जो कायरा होती है वो थोड़ा अपना आगे फेस करके एकदम से किस करने लग जाती है, वो इतनी डीपली उसे किस कर रही रहती है, बहुत ज़्यादा डीपली किस कर रही रहती है। पहले वो उसके अपर लिप को बहुत प्यार से किस करती है, फिर उसके लोअर लिप को बहुत प्यार से किस कर रही रहती है, फिर वो उसके नेक के वहाँ पर जाती है, उसे किस कर रही रहती है। आज कायरा बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है, तो वो होता है ना कि जब उसे रिलैक्स होना है तो उसे सामने वाला चाहिए, तो वो किस पे किस करे जा रही रहती है, फिर वो बहुत अच्छे से नेक पर भी किस करती है, नेक पे किस कर रही रहती है, कर रही थी। थोड़ी देर में तो जो हमारी रिद्धि रहती है वो भी एक्टिव हो जाती है, रिद्धि थोड़ा ऊपर होती है और कायरा को नीचे करती है, और रिद्धि अब उसके नेक पे किस कर रही रहती है, फिर उसके लिप पे किस करती है और उसे देख रही रहती है, और जब रिद्धि भी उसको इतने प्यार से देख रही रहती है, कायरा दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे नज़रों नज़रों का प्यार एक अलग ही होता है अंदाज में, वही हो रहा रहता है। थोड़ी देर में जो रिद्धि है वो धीरे धीरे जो बटन्स होते हैं कायरा के नाइट ड्रेस के वो ओपन हो रहे रहते हैं, दूसरी तरफ जो कायरा के टमी पे वो हाथ फेर रही रहती है, थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाती है कायरा एकदम से, और रिद्धि को नीचे करती है और वो उसके ऊपर चढ़ के उसके जो उसने टी शर्ट पहनी रहती है वो उसे रिमूव कर देती है, और फिर वो बेशुमार तरीके से उस पे प्यार जता रही रहती है। इनका लव मेकिंग चल रहा रहता है काफ़ी ज़्यादा डीपली, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे रहते हैं, कब इंटीमेट होते होते जो क्लॉथ्स है वो फ्लोर पर आ जाते हैं पता भी नहीं चलता, और डिम लाइट में सिर्फ एक दूसरे का चेहरा दिख रहा रहता है, पर वो थोड़ा सा ठंडा माहौल रहता है, दिल्ली का उस टाइम रहता है थोड़ा सा ठंडा माहौल रहता है, तो ब्लैंकेट में दोनों एक दूसरे के साथ कवर होते हैं, और बहुत बहुत मतलब एक दूसरे के साथ इतने डीपली कवर होते हैं, दोनों की बॉडी एक दूसरे को टच कर रही रहती है, जो हीट दे आर वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जनरेट हो रही रहती है, दोनों एक दूसरे की बॉडी के हर एक पार्ट्स को फील कर रहे रहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हुए रहते हैं, फिर लिप पे लिप किस हो रहे रहते हैं, नेक किसिंग हो रही रहती है, चेस्ट पे किस होता है, फिर टमी के पे किस होता है, फिर जो पैशनेट वे में जो लव मेकिंग हो रही रहती है दोनों की। दूसरी तरफ जो हमारी रश्मि रहती है उसको उसकी हालत तो इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी रहती है जिया ने, क्योंकि वो जब चलते रहते तो वो उसे टच कर रही रहती है,
जब वो उसके हो रही होती है तो कभी उसके बालों के साथ खेलती है, कभी उसके बैक पे टच कर रही रहती है, कभी उसके हिप्स पे टच कर देती है, कभी उसे कानों में आकर फूंक मारती है, कभी उसके नेक पे हाथ फेर रही रहती है, पब्लिकली वो उसके साथ ऐसे कर रही रहती है। तो रश्मि को भी समझ में आ जाता है कि जिया का आज फुल ऑन मूड है, पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पब्लिकली करेंगे तो इश्यूज हो जाएगा, और वो दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली इज़ ओपन माइंडेड सिटी, बट जहाँ पर ज़्यादा ओपन होता है वहाँ क्राइम रेट्स भी ज़्यादा हो रहे रहते हैं। तो प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि उसे डर लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम उनको वो इंसिडेंट याद रहते हैं कि वो लोग कैसे फंसे थे और कैसे निकले थे। तो अब वो कोई भी नहीं चाहती थी कि कोई भी लड़का उनके पीछे पड़े या कोई भी उसकी लाइफ में अब पीछे आए। तो जो रश्मि रहती है वो धीरे धीरे जिया को बहुत संभालती है, लोगों की पब्लिक की नज़रों से बाहर निकालती है, क्लब से ये लोग बाहर जाते हैं। फिर रास्ते भर वो रिसॉर्ट अच्छा लॉन्ग रहता है, तो इनका जहाँ पर ये लोग क्लब में आए रहते हैं वहाँ से 20 steps दूर पर इनकी होटल का मेन एंट्रेंस रहता है, मतलब इनके जो रूम की तरफ जाने के लिए। पर वो 20 steps भी ऐसा लगता है कि 40 steps की है, क्योंकि जिया इतने नखरे दिखा रही रहती है, जाना नहीं रहता है उसे। और वो तो चलते चलते ही रश्मि को एकदम से टच कर रही रहती है, बहुत सिड्यूस कर रही रहती है, और वो इतनी ज़्यादा हॉट दिख रही रहती है उस समय कि बहुत। एक तो उसने शॉर्ट्स पहने रहते हैं, काफ़ी जो सेक्सी लैग्स दिख रहे रहते हैं, जो तलने का तरीका वो भी थोड़ा मार्वेलस रहता है। तो यहाँ पर रश्मि तो अपना दिल हार ही बैठी रहती है, लेकिन बस वो खुद को कंट्रोल कर रही रहती है कि वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करे। वो जाती है, जिया को बहुत टाइटली पकड़ती है और लिफ्ट पे लेकर जाती है। तो लिफ्ट का ऐसा रहता है कि लिफ्ट का जैसे ही डोर क्लोज होता है, जिया एकदम से रश्मि को पकड़ती है और उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। जिया यहाँ पर रश्मि की ऐसी हालत हो जाती है कि वो रोकना भी चाहती है पर वो रोकना भी नहीं चाहती है, क्योंकि वो तो अपने पार्टनर के साथ जब क्लोज रहते हो आप, तो आप मना नहीं कर पाते हो किसी को। लेकिन उसे याद आता है कि वो मींस पब्लिक प्लेस पर है, और बाय चांस अगर सीसीटीवी कैमरा से अगर किसी ने देख लिया तो। बट लकीली उस समय कोई वो कैमरा से कोई देख नहीं रहता रहता है वॉचमैन, तो वो थोड़ा सा उसे दूर करती है। बीती बोलती बेबी सिर्फ 5 मिनट तो रुक जाओ, इस 5 मिनट हमें आने तो दो। तो वो जैसे तैसे उसे मतलब खींचते हुए, थोड़ा पुश करते हुए कैसे तैसे रूम पर आती है। वो अपनी कीज से रूम ओपन करती है, ओपन करती है, जिया को थोड़ा आगे करती है, और वो जैसी डोर को क्लोज ही कर रही रहती है, उतनी देर में डोर से लगा कर जिया उसे किस करने लग जाती है। यहाँ पर रश्मि उसे बिल्कुल भी नहीं रोकती है, क्योंकि उसे पता रहता है ये तो होना ही है। तो वो उसे कोऑपरेटिव वे में उसे उसे लिप किस बैक करने लगती है, और दोनों के बहुत एक दूसरे को बहुत पैशनेट वे में किस हो रहा रहता है। जो रश्मि का एक हाथ रहता है वो डोर की तरफ जाता है, और वो डोर को प्रॉपरली लॉक कर रही रहती है किस करते हुए। और जो रश्मि रहती है वो उसके हाथों को, जो जिया रहती है वो रश्मि के हाथों को काफ़ी ज़्यादा पकड़ रही रहती है और अपनी कमर में रख नहीं रहती है। तो पहले तो वो डोर लॉक पे उसके हाथ को पकड़ने नहीं देती है, पर जैसे डोर लॉक हो जाता है वैसे वो उसकी कमर पे हाथ रखती है, और दोनों एक दूसरे को बहुत पैशनेट वे में किस कर रहे रहते हैं। इस बार तो थोड़ा सा वाइल्ड वे होता है जिया का। जिया अपने लेग्स को ऊपर करके ऐसे बोलते ना कि एकदम चढ़ने वाली पोजीशन पे आ जाती है वो उसके ऊपर, पर जो रश्मि रहती है वो काफ़ी अच्छे से हैंडल करती है। और ये लोग धीरे धीरे किस करते करते, लाइट्स ये लोग भी ऑफ हो जाती है, इनकी भी डिम लाइट चालू हो जाती है, और वो लोग बेड पे गिर जाते। जो बेड पे गिरते हैं तो जो रश्मि के ऊपर जिया एकदम से आती है और वो उसे बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। फिर वो उसके जो क्लॉथ्स रहता है, उसने जो वन पीस पहना रहता है, जो लॉन्ग ब्राउन वन पीस प्लस ट्रेडिशनल होता है, वो उसको फटाफट रिमूव करने रहती है। तो वो बहुत लॉन्ग रहता है, तो जिया को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही रहती है, और जिया ड्रंक रहती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा रहता है। तो रश्मि बोलती है बेबी वेट, मैं खुद रिमूव करती हूँ, जस्ट जस्ट वेट।
तो जिया बोलती फास्ट बेबी जूस्ट फास्ट ना, तो कहती हाँ बेबी जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। तो वो खुद ही वो थोड़ा सा टाइट भी रहता है तो जिया से रिमूव होने वाला तो रहता नहीं है, तो रश्मि खुद रिमूव करती। जब वो रिमूव करती है तो वो इतनी ब्यूटीफुल उसका फिगर दिख रहा रहता है जिया को कि जिया कंट्रोल ही नहीं करती। और वो फिर से उसे नेक पे किस करने लग जाती है, फिर नेक से थोड़ा किस कर होने लगती है। और जो वो इतनी एक्साइटेड रहती है कि वो अपना खुद के क्लॉथ्स भी खुद ही रिमूव कर देती है। जिया अपना खुद का टॉप है वो रिमूव कर देती है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बहुत पैशनेट वे में एक दूसरे को काफ़ी डीपली किस कर रहे रहते हैं। जब किस करते हैं तो इनका किस बहुत डीपली हो रहा रहता है, और डीपली किस करते करते दोनों एक दूसरे के हाथों को लॉक कर देते हैं। फिर वो उसके नेक पे किस करती है, नेक से थोड़ा नीचे आती है, फिर वो बहुत प्यार से उसकी बॉडी के को देख रही रहती है। डिम लाइट में आप ये कह सकते हो कि जिया को रश्मि की बॉडी बहुत शाइनफुल वे में दिख रही रहती है। तो उसके टमी पहले हाथ फहराती है, और जिस सिड्यूसिंग वे में वो हाथ फहराती है, वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि जहाँ जिया ने थोड़ा सिड्यूस किया रहता है, वरना कभी उसे सिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो वो बहुत रोमांटिक वे में हाथ फैला रही रहती है और उसे किस भी नहीं कर रही रहती है। और यहाँ रश्मि की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही रहती है कि वो बेडशीट को बहुत टाइटली पकड़ रही रहती है, वो बेडशीट को पकड़े जा रही रहती है। और फिर वो कहती है जिया, तो कहती है जिया डू इट ना प्लीज, ऐसे टीस तो ना करो, आप ऐसे टीस मत करो ना यार, जो करना है जल्दी करो ना, मुझे वेट नहीं हो रहा है। तो ये बात जब जिया सुनती है तो वह स्माइल करते हुए बोलती है पीपी ऐसे करने में ही तो मज़ा है ना, जल्दी जल्दी करेंगे तो मज़ा कहाँ आएगा, थोड़ा रुको ना, ऐसे करने दो ना। तो कहती है नहीं बेबी प्लीज़, तो कहती है मेरी जान जा रही है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। जिया कहती है ओके। तो जब ये जिया ऐसा सुनती है तो फिर भी वो उसे टीस करे जा रही रहती है। अब रश्मि भी कहाँ चुप बैठने वालों में से थी, तो रश्मि जिया को नीचे करती है और वो उसके ऊपर चढ़ के उसे टीस कर रही रहती है। वो उसके पास आती है, उसके लिप के पास, और बहुत प्यार से उसके जो हमारे मतलब गाल को होता है ना साइड से, एकदम लिप के थोड़े से साइड से किस करते हुए जाना, फिर वो दूसरे गाल के वहाँ पे किस कर आती है, वो ईयर पे किस कर देती है, वो नोज़ पे क्लिक करती है, और लिप के पास जब आती है तो थोड़ा दूर हो जाती है, फिर लिप के पास आती है, फिर दूर हो जाती है। तो यहाँ करके वो ऐसे जिया को टीस कर रही रहती है। तो जब रश्मि जिया को ऐसे टीस कर रही रहती है तो जिया को भी इतना गुस्सा आ रहा रहता है कि ये कर क्या रही है, ना करने दे रही है ना कुछ कर रही है। और तब वो कहती है कि यार जिया, यार रश्मि तो मेरे साथ ऐसे क्यों कर रही हो, किस करो ना करना है तो। कहती क्यों बेबी, टीस करने में ही तो मज़ा आता है ना, और करने दो ना, अभी आप ही ने तो कहा था। रश्मि टिक फॉर टैक करती है। ये बात सुन के जिया अपने हाथ को थोड़ा पकड़ती है और फिर रश्मि को नीचे करती है। जब रश्मि को नीचे करती है तो उसे अब बहुत पागलों की तरह किस कर रही रहती है, काफ़ी ज़्यादा बाइट करती है वो उसको। और इनका जो लव मेकिंग होता है अब वो बहुत डीपली होता है, कब सारे क्लॉथ्स फ्लोर पर होते हैं पता ही नहीं चलता। और ये लोग एसी को बंद कर देते हैं क्योंकि एसी जब चालू रहता तो ब्लैंकेट ओढ़नी पड़ती, तो इन्हें ब्लैंकेट नहीं ओढ़ना था, तो इन लोगों का एसी बंद रहता है। और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट वे में होती है। फिर जब ये लोग मीन्स लव मेकिंग करके रिलैक्स हो जाते हैं तो जिया बोलती है बेबी मुझे ऐसा लगता था कि मैं ही सबसे ज़्यादा वाइल्ड रोमांस में बिलीव करती हूँ, बट आप मुझसे कम थोड़ी ना हो। तो तभी रश्मि कहती है बेबी जब दो पार्टनर एक जैसे होते हैं तभी तो पार्टनर बनते हैं, तो दो लोग जब एक जैसा ही लव मेकिंग करेंगे तभी तो मज़ा आएगा ना, वरना आप तो बोर हो जाओगे ना। तो कहती है काफ़ी ज़्यादा सही है। दूसरी तरफ जो रिद्धि रहती है वो कायरा को बहुत प्यार से हक कर रही रहती है। और कायरा तो ऐसा रहता है कि जैसी वो रोमांस करती है वो एकदम रिद्धि को हक करके उसी की बाहों पे सो जाती है।
जब कायरा ये जब रिद्धि ये देखती है तो उसके फोरहेड पे किस करती है और बोलती है बच्ची है यार, आई होप सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और जल्दी इसे अपनी मॉम के बारे में पता चले। आई विश कि सब कुछ ठीक हो जाए, अंकल आंटी नानी से बात कर ले। जब अंजना पूछती है कि आपकी बात हुई कायरा से, तो वो सारी सिचुएशन बताती कि कायरा से बात नहीं हुई रहती है, रिद्धि से बात हुई रहती है और रिद्धि ने सब कुछ बताया रहता है। तो अंजना बोलती है कि ये लोग ना बच्चे के बच्चे ही रहेंगे, कायरा को कितनी बार समझाया था कि वहाँ जाके कुछ मत करना पर नहीं आता है। ठीक है, मैं पापा मम्मी से बात करती हूँ, मतलब कायरा के नाना नानी को वो पापा मम्मी कहती थी अंजना, तो कहती मैं बात करके देखती हूँ। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।